हम ईश्वर का अनुशासन स्वीकार करते हैं, मर्यादाओं का पालन करेंगे, जो वर्जित है वो आचरण नहीं करेंगे। हे महाकाल, उज्ज्वल भविष्य की रचना के लिए अपनी मनोवृत्ति का प्रेरणा दें। हे प्रभु, हमारे संकल्प पूरे हो, हम सुख सौभाग्य श्रेय पुण्य तथा आपकी कृपा के अधिकारी बने, आपसे दिव्य अनुदान पाने और उनको जन जन तक पहुंचाने की हमारी पात्रता बढ़ती रहे। येन बद्धो बलि राजा दानवेन्द्रो महाबलय तेन हत्वा प्रतिबन्धनामि रक्षे माचल माचल कलश चावल फूल प्रसाद लेने और मैम आप जो है सर के सीधे आके अपने दोनों हाथ ले आएंगे, सीधे आके दोनों हाथ कोनी के कोनी के कोनी के, हाँ ऐसे कलश का पूजन करेंगे। कलश हमारे ब्रह्मांड की सारी शक्तियों का प्रतीक है। 33 कोटि देवता यानी 33 प्रकार के जो देवता है वो उसमें विराजमान है। सभी देवताओं के प्रतिनिधि के रूप में कलश का पूजन किया जाता है। आइए हाथ जोड़कर लेके सारी देव शक्तियों का पूजन करते हैं कलश के रूप में। ओम कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समासिता मूले त्वस्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणाश्रिता उक्षोतु सागरा सर्वे सप्तदीपा वसुंधरा ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेदो सामवेदो अथर्वणः अंगेश्च सहिता सर्वे कलशन्तु समासिता अत्र गायत्री सावित्री शान्ति पुष्टि करी सदा प्रतिष्ठन्ति भूतानि त्वहि प्राणा प्रतिष्ठता शिवे स्वयं त्वमासि विष्णुस्तं च प्रजापति आदित्यावस्वो रुद्रा विश्वे देवासुपृथक तैतिष्ठन्ति सर्वेऽपि यत्ते कामे फलप्रदा तत्प्रसादितं यज्ञं कर्तुमे चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे यथा शून्यस्य कान्तिस्तु श्रीरामे विद्धते हि या सर्वशक्ति स्वरूपाय देवे भगवते नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आवायामि स्थापयामि पूजयामि धायामि तो नमस्कारं करोमि। फिर से चावल फूल प्रसाद लेंगे, माँ गायत्री का आह्वान करेंगे। जिन जन में देवत्व का उदय सबको बुद्धि देने वाली माँ गायत्री आया तू वरदे देवी त्रक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंद साम मातर ब्रह्मयोनिर्नमोस्तुते। ओम श्री गायत्री नमः। आवायामि स्थापयामि पूजयामि धायामि अर्धाक्षतं पुष्पाणि धूपाणि दीपं नैवेद्यं समर्पयामि ततो नमस्कारं करोमि। जो हमारे जोड़ी से देवी देवताएं हैं उन सबको हाथ जोड़ करके नमस्कार करते हुए चलेंगे, हमारे साथ साथ दोहराएंगे। ओम सर्वाभ्यो देव शक्तिभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देव पुरुषेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो महाप्राणेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो महारुद्रेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो आदित्यभ्यो नमः। ओम सर्वाभ्यो मातृशक्तिभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्य तीर्थेभ्यो नमः। ओम महाविद्यायै नमः। ओम एतत् कर्ण प्रदान श्रीमन् महाकालाय नमः। इसे जो है चावल फूल प्रसाद रोली का टीका कलावा यज्ञोपवीत सुपारी जल सारी सामग्री ले लेंगे।
हमारे साथ सब बुलाए हे देव गंध अक्षत के रूप में हमारे पुण्य कर्मों हमारी अटूट निष्ठा को स्वीकार करें हे देव पुष्प के रूप में हमारे अंतः का उल्लास आपको अर्पित है हे देव धूप दीप के रूप में हमारी प्रतिभा और योग्यता को स्वीकार करें हे देव वेद के रूप में हमारी साधन संपदा का एक अंश समर्पित है इसको स्वीकार करें ओम ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः धाक्षतम पुष्पाणि रूपम नैवेद्यम तांबूलफलानि यज्ञोपवीतम् समर्पयामि ततो नमस्कारम् करोमि समर्पण करने के और विराट सत्ता को हाथ जोड़ करके जितना झुक सकते हैं झुक करके प्रणाम करेंगे ओम नमो सनन्ताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादं शिशिरोर्भवे सहस्रनामे पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि ये द्वितीयक का सूक्ष्म कार्यक्रम युद्रस्ता वेदमूर्ति तपोनिष्ठ गायत्री पीठ के संस्थापक शर्माचार्य इस सूक्ष्म संरक्षण में संपन्न हो रहा है जिन्होंने अपने जीवन में सभी सुखों को त्याग करके जीवन में गरीबी को धारण किया गरीबी को ओढ़ा उस संत ने जन जन गायत्री घर घर में गायत्री विचारों से विचारों का परिवर्तन विचार क्रांति अभियान सद्बुद्धि का मंत्र ये जीवन का उद्देश्य बनाया और सभी परिजनों को गायत्री सुलभ कराने का संकल्प लिया हम सभी उसके बालक के रूप में उसके परिजन के रूप में उसके भक्त के रूप में उसकी आराधना करते हैं श्री राम शर्मा आचार्य और माँ गायत्री उन्होंने अपने जीवन को गायत्री में बना लिया जब किसी आदमी का जब किसी शरीर का बिछो हो जाता है आत्मा से तो हमारे धर्म में कहा जाता है कि पंडित जी को बुलवा लो गायत्री करा देंगे कि मुक्ति मिल जाएगी ऐसा मंत्र वेद मंत्र देव मंत्र विश्व मंत्र के नाम से जाने वाला गायत्री महामंत्र 24 अक्षरों से जिसका निर्माण हुआ है महामंत्र जितने जग माही ओ गायत्री समनाही सुमरत ही है मैं ज्ञान प्रकाश आलस पाप अविद्या नाश जो गायत्री मंत्र की साधना करते हैं उनके जीवन से आलस समाप्त हो जाता है पाप में प्रवृत्ति नहीं रहती है क्योंकि गायत्री मंत्र अपने आप में सद्बुद्धि का मंत्र है तो पाप की प्रवृत्ति कैसे होगी अविद्या ना से क्योंकि जब सद्बुद्धि आएगी तो ज्ञान का प्रकाश होगा तो अविद्या के स्थान पर विद्या का निवास अपने आप हो जाएगा अभी हाँ सर उसी का उसी का तो गायत्री मंत्र 24 अक्षरों से जो बना हुआ है अभी मैंने बताया कि जो इसका स्मरण करते हैं गायत्री की साधना करते हैं उनके जीवन में किसी प्रकार का अभाव नहीं रहता
यानी कि अभाव का अभाव उनके जीवन में हो जाता है। गायत्री की साधना करने वालों के जीवन में माँ गायत्री विभिन्न प्रकार के अनुदान वरदान देती है। स्तुता माया वरदा वेद माता प्रचुन दयंताम पाव माने द्विजा नाम ब्राह्मण तो मिलता है। आयु आयु बढ़ती है ऐसे लोगों की अकाल मृत्यु नहीं हो सकती है। प्राणम उत्साह बढ़ता है, कभी भी निरुत्साहित नहीं हो सकता आदमी कितनी भी उसके सामने विपत्तियां हो। आयु प्राणम प्रजाम संतान से हीन नहीं रह सकता, संतान होगी तो संस्कारवान होगी। पशुम कीर्तिम यदि घर पर पशु है तो उनमें लाभकारी उसका व्यवसाय रहेगा। कीर्ति ऐसे साधक की चारों ओर फैल जाती है। आयु प्राणाम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम हाथ ऐसे नहीं रहेगा, हाथ ऐसे रहेगा देने की। ब्रह्मवर्चसम जो विलक्षण बुद्धि है, जो रिसर्चर बुद्धि है उसका विलक्षणता का भाव उसके अंदर व्याप्त होगा। दत्ता वर्जित ब्रह्मलोकम उसको ये सारे अनुदान अनुदान दे करके ब्रह्मलोक में गायत्री उसको उस साधक को उसको प्रज्ञा देती है, विलक्षण बुद्धि देती है। यदि हम गायत्री मंत्र का ध्यान करते हैं 24 अक्षरों में ओम भूर्भुवस्व ओम, वो विराट परमात्मा का कोई रूप ही नहीं है। चाहे तो आप काली के रूप में माने, चाहे भगवान शंकर के रूप में माने, चाहे कृष्ण जी के रूप में माने, और चाहे किसी भी जहां भी आपकी निष्ठा है, जहां आस्था है, जहां समर्पण है, जिसको भी आप अपना इष्टमान थे उसके रूप में स्वीकार कर सकते हैं। भूर्भुवस्व है जो तीनों लोगों में व्याप्त है, भू पृथ्वीलोक भूय आकाश लोक और स्वय पाताल लोक। तत्सवितुर वरणीयम, तत् मीन्स उसको सवितुर जो सविता की तरह से, सविता सूर्य की उस रूप को कहा जाता है जब सूर्य निकलने के बाद में 6.5 मिनट के बाद जो सूर्य का आकार होता है उसको सविता के रूप से जाना जाता है। यदि वह परमात्मा है जो तीनों लोकों में व्याप्त है, सविता के जैसा उसका आकार है, सविता के जैसा वो लगता है, तो क्या करें, वरेणियम उसका हम वर्ण करें, उसको हम सिलेक्शन करें, उसको हम चुने, उसको अपनाएं। भर्गो देवस्य भर्ग तेज देवस्य देवताओं का धीमही उसको हम क्या करें धारण करें। भर्गो देवस्य धीमही धियो जो धियो बुद्धि को यो जो ने हमारी जो हमारी बुद्धि को प्रचोदयात प्रेरित करे सन्मार्ग को प्रेरित करे। ऐसा परमात्मा जो तीनों लोकों में व्याप्त है, जिसका आकार उगते हुए सूर्य की तरह से है, उसका हम वर्णन करें। और जो देवताओं का तेज है उसको हम धारण करें, वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग को प्रेरित करे। ऐसा विलक्षण मंत्र अभी थोड़ी देर पहले गीत गा रहे थे, उसमें एक लाइन आई थी, जो जुड़ सका ना तुझसे वो लुट गया बेचारा। जब परिवर्तन का भाव चलता है जो लोग रह जाते हैं वो पिछड़ जाते हैं। तो लंका पर चढ़ाई करने के लिए भगवान श्री राम गए तो पुल की आवश्यकता पड़ी। वानरों ने जो हनुमान जी थे सुग्रीव के सचिव हुआ करते थे, सुग्रीव जी की सुरक्षा में हनुमान जी की ड्यूटी लगती थी, और जब हनुमान जी की आवश्यकता पड़ी तो हनुमान जी का जो कद था, जो भाव था, वो इतना बड़ा हो गया कि पूजा हनुमान जी की होती है कि सुग्रीव जी की नहीं होती है। तो जिसका सेक्रेटरी रहा हो उसको छोड़ करके, क्योंकि इस परम सत्ता से जुड़ करके जो हमारा वजन बढ़ता है हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते। अदृश्य रूप से जो शक्तियां हमें अनुदान वरदान देती है उनका एहसास कर सकते हैं केवल, लेकिन हम पूरा अनुमान नहीं लगा सकते कि ये जो काम हो रहा है इसमें हमारी अच्छाई क्या है, या जो नहीं हो रहा है तो इसमें अच्छाई हमारी क्या है, ये वही जानता है परम सत्ता। तो जब पुल बन रहा था तो गिलहरी बार बार आती और अपनी पूंछ को समुद्र के जल में भिगो करके धूल में लपेटती, फिर जाकर के उसमें बदल। चूंकि जो रीच वाले थे वो तो पत्थर डाल रहे थे, तो गिलहरी की इतनी क्षमता नहीं थी कि वो पत्थर उठा सके। तो समय के अनुसार भाव को देख करके जो भाव के साथ बह जाता है वो तैर जाता है, और जो रह जाता है वो डूब जाता है। जब स्वतंत्रता संग्राम हुआ तो जो लोग उसके साथ में जुड़ गए उनके जो आश्रित, उनको आज भी 2% का आरक्षण मिलता है।
जो रह गए उनको कुछ नहीं मिलता। तो बात है उस विराट सत्ता से जुड़ने की, जब समय का परिवर्तन होता है, जब से जुड़ जाते हैं वो तर जाते हैं। और लाखों लोगों के जीवन में ऐसे उदाहरण देखने के लिए मिलते हैं कि वो इष्ट के रूप में चाहे किसी को मानते हो, लेकिन जब कभी विपत्ति आती है तो जिस परम सत्ता को मानते उसके साथ ही आकर के परमात्मा उसकी सहायता करते हैं। कभी भगवान ये कहते हैं कि तू सहायता कर, मैं लाठी लेकर के तेरी सहायता में खड़ा हूं, वार कर। जब विपत्ति आती है तो उस व्यक्ति को, उस साधक को उस स्तर की ऐसी विलक्षण बुद्धि दे देते हैं कि वो उन भाव सागरों से दूर होता हुआ चला, कभी लाठी लेकर के साथ में खड़े नहीं होते, उसका मार्ग निकल जाता है। और वो जो साधक है उसको पुत्रवत रूप में ईश्वरीय सत्ताएं मानती हैं, उसका कल्याण हो जाता है। और मनुष्य तो उस परम सत्ता का राजकुमार है। जितने भी जीव जंतु जगत में है, संसार में है, सबके सबका जो भोग करता है वो केवल मनुष्य करता है। जबकि हम सब ये कहते हैं कि आत्माएं सब में है, लेकिन उन सारी चीजों का जो दोहन है, जो उनका उपयोग है, वो केवल मनुष्य करता है। चाहे तो हाथी है, चाहे गाय है, चाहे भैंसा है, चाहे कोई और जीव जंतु है, लेकिन सबके सबका जो करता है केवल मनुष्य करता है। संत ने कहा था, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने, वयम राष्ट्रे जागरण पुरोहिता, हम पूरे राष्ट्र को जागृत करके पुरोहित प्रदान कर देंगे, पूरे राष्ट्र को विश्व का गुरु बना देंगे। और यही बात स्वामी विवेकानंद ने कही थी 1893 में जब अमेरिका में गए थे। हमारी जो संस्कृति है उसने हमेशा विश्व को दिशा देने का काम किया है। गायत्री परिवार से आज के समय में 6 करोड़ लोग 12 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं वर्तमान। इस संत की लेखनी कोई क्षेत्र ऐसा नहीं जिस पर ना चली हो। 3500 पुस्तकों का साहित्य और ऐसा विलक्षण विश्वविद्यालय जो उसमें चला गया, हमेशा यही कहता कि या तो मैं इसमें पढ़ू या इसमें पढ़ाऊ। सारा का सारा जो स्पिरिचुअल एनवायरमेंट है वो इस बात का परिचायक है। यदि आप शेर को ले जाएं और ले जाकर के शांति में छोड़ दें तो शेर काट नहीं सकता, गारंटी इस चीज की। क्योंकि इतना जो पॉजिटिव एनवायरमेंट है, इतना जो स्पिरिचुअल एनवायरमेंट है, वहां पर 3 चीजें अखंड है, अखंड जप, अखंड अग्नि और अखंड दीपक। 24 घंटे अखंड जप चलता है गायत्री महामंत्र का। अखंड अग्नि जब श्री राम शर्मा आचार्य जी 6-6 महीने की 3 बार यात्राएं की हिमालय की, लगातार 1.5 वर्ष हिमालय की गुफाओं में, हिमालय की कंदराओं में रहकर के साधना की है, तो वहां से अखंड अग्नि लेकर के आए शांतिगुंज में। यज्ञशाला है, डेली यज्ञ होता है, वो अग्नि डेली आज भी प्रज्वलित है। अगले दिन उसी अग्नि में आम की संविधाएं रखकर के यज्ञ किया जाता है और फिर उनको ऐसे ढक दिया जाता है, फिर अगले दिन यज्ञ किया जाता है। और जो 1926 में अखंड दीपक जलाया था वो आज भी जल रहा है, अखंड ज्योति के नाम से उसको जाना जाता है। और 1926 से लगातार वो दीपक आज भी जल रहा है। गुरुदेव ने कहा था, जब मैं इस भौतिक शरीर को छोड़ दूंगा, जिसको जो भी समस्या है, जो भी परेशानी है, वो आए और अखंड दीपक के रूप में मेरा स्मरण करे और अपने भाव, अपने संवेदना, जो अपना दुख है उसके सामने प्रकट करे, तो मेरे तक पहुंच जाएगा। ऐसा संत, ऐसा ऋषि, उसका सानिध्य हमें मिला। एक बार एक शिष्यों का महल बना हुआ था, एक शिष्य ने अपने गुरु से कहा कि संसार कैसा दिखाई देता है आपको। उनके गुरु कहने लगे कि मैं तुम्हें कथा बताता हूं, उसके माध्यम से तुम्हारी समझ में आ जाएगी जो संसार है कैसा दिखाई देता है। तो उन्होंने बताया कि एक शीशे का जो महल था, महल बना हुआ था, उसमें चारों तरफ शीशे लगे हुए थे। गलती से उसके अंदर एक कुत्ता आ जाता है। जो कुत्ते की प्रवृत्ति थी, कुत्ते की प्रवृत्ति ऐसी थी कि बड़ा यदि कुत्ता मिलता तो सब उसकी तरफ भोंकता, लड़ता, झगड़ता। तो जब कुत्ता उसके अंदर प्रवेश किया तो उसको बहुत सारे कुत्ते दिखाई दिए और कुत्ते ने भोंकना शुरू किया। जब कुत्ते ने उसके अंदर भोंका तो उसे लगा कि बहुत सारे कुत्ते तेरी तरफ भोंक रहे हैं और उसे लगा कि चारों तरफ से तुझे कुत्तों ने घेर लिया है, तो वहां से तुरंत भाग करके बाहर निकल जाता है।
फिर कुछ समय के बाद में दूसरा कुत्ता उसके अंदर जाता है, जब कुत्ता दूसरा उसके अंदर प्रवेश करता है तो अपनी पूंछ हिलाता है, उसे लगता है कि और भी कुत्ते तेरे स्वागत में पूंछ हिला रहे हैं। कुत्ता उनकी तरफ देखता तो लगता है कि हाँ ये भी कुत्ते तेरी तरफ देख रहे हैं, तो कुत्ते को लगता है कि जैसे तू इस कुत्ते का स्वागत कर रहा है ऐसे वो भी कुत्ते तेरा स्वागत कर रहे हैं। तो यदि हम पॉजिटिवली संसार में देखते हैं तो हमें चीज सकारात्मक दिखाई देती है, यदि नकारात्मक रूप से देखते हैं तो हमें भी संसार नकारात्मक दिखाई देता है। तो सारा जो सोच है खेल जो है वो सोच का है, और सोच जो बदलने का है एंटीबायोटिक इलाज है वो गायत्री मंत्र। ये ऐसी दवाई है, ये रिएक्शन नहीं करती। हम किसी भी धर्म को माने, किसी भी पंथ को माने, किसी भी संप्रदाय को माने, लेकिन जब उसके साथ गायत्री मंत्र की साधना करते हैं तो निश्चित रूप से जो हमारी बुद्धि है वो सन्मार्ग की ओर चलती है। एक संत जंगल में रहते थे, उनको इस भौतिकतावादी संसार से वैराग्य प्राप्त हो गया, जंगल में अकेले रहने लगे, बियाबान जंगल में। एक चोर उसी रास्ते से चोरी करके जाया करता था। चोर के मन में एक दिन यह आया, वो जाता लेकिन महाराज से कुछ नहीं कहता था, दो चार मिनट बैठा, घड़े का पानी पिया, वहां से चला जाता था। लेकिन उसने कभी ये नहीं सोचा कि मुझे बदलना है। एक दिन उसके मन में ये विचार आया कि क्यों ना जो मैं समाज को लूटने खसोटने काम करता हूँ, चोरी करने काम करता हूँ, जो मेरी बंदूक है उसको महाराज के चरणों में रख दूं और मैं एक इंसान बन जाऊं। उसने एक दिन ये काम किया, उसका मन बदला और अपनी बंदूक को संत के चरणों में उसने रख दिया। उसने कहा कि महाराज मैं भी संत बनना चाहता हूं। उन्होंने कहा संत बनोगे? उनकी हाँ महाराज, देख लेना बड़ा कठिन रास्ता होता है संत का, सारी दुनिया से तुम्हें अलग हटना पड़ेगा, सारी भौतिकतावादी जो तुम्हारे मन में तुमने इतने अपराध किए उनसे कैसे मुक्ति पाओगे, तुम देख लेना संत बनने का बड़ा कठिन है क्योंकि तुमने दूसरे तरह का जीवन जिया है। उसने कहा कि महाराज वो रहे वहां तो एक लकड़ी उन्होंने दे दी, जलती हुई लकड़ी, कुछ जली हुई थी कुछ ठीक थी, उन्होंने कहा लकड़ी को ले जाओ और जब ये लकड़ी से पेड़ बन करके फूटने लगे मैं समझ लूंगा कि तुम सुधर गए, तुम मेरे पास में आ जाना। सूखी हुई लकड़ी आधी जली हुई आधी ऐसी, चोर समझ नहीं पाया क्या करना इसका। निकल पड़ा चोर गांव गांव में जाता भिक्षा मांगता। एक दिन एक गांव में भिक्षा मांगी, भिक्षा मांगने के बाद वहीं पर रहा। गांव के बाहर एक बड़ का पेड़ था, बड़ के पेड़ की जो बहुत सारी वो लताएं निकल जाती हैं उनको निकल करके ऐसा वहां पर गुच्छ हो गया कि कोई देख न सकता था, उसके नीचे रात उसकी गुजारी वहां पर। उसी दिन क्या हुआ कि पांच चोर आते हैं और पेड़ के ऊपर आकर के बैठ जाते हैं। जब पेड़ पर आकर के बैठ जाते हैं तो उस गांव में लूटने की योजना बनाते हैं। उनकी लूटने की योजना को जो चोर के रूप में संत रहा है वो नीचे बैठ करके सुनता रहता। उसके मन में ही विचार आया, उन्होंने चोरों ने प्लान किया कि जो गांव है गांव में तीन तरफ आग लगा देंगे और एक तरफ का रास्ता खाली छोड़ देंगे, क्योंकि जब गांव में तीन तरफ आग लगी रहेगी तो सारी जनता एक तरफ से भगेगी और जब जनता एक तरफ से भगेगी तो आसानी से उनको माल छीन लेंगे। ऐसा चोरों ने अपना प्लान किया। अब क्योंकि वो जो चोर के रूप में संत रहा है जिसने जीवन बदल लिया अपना, वो भी नीचे लेटा हुआ था, वो चोर प्लान करके जैसे एक एक करके नीचे उतरते हैं तो चोर के मन में भाव आता है कि मैंने इस गांव से अन्न खाया है, इस गांव वालों ने मेरी सेवा की है, तो उसका मन परिवर्तित हो जाता है। और जैसे ही ऊपर से एक एक चोर उतरता है तो वो जो चोर के रूप में संत रहा है वो एक एक चोर को मार देता है, पांचों के पांचों चोर को मार देता है, फिर उसके बाद में जो लकड़ी उसके पास में थी उसको लेकर के फिर सल देता है, फिर अपने गुरु के पास में जाकर के पहुंचता है। और तब तक धीरे धीरे बरसात का मौसम आ जाता है और गुरु से सारी बात बताता है
कि गुरुदेव ऐसा हो गया है, उसके गुरु उसको क्षमा कर देते हैं। उससे कहते हैं तेने अपना जीवन बदल लिया है, इतनी सारी हत्याएं करने के बावजूद जो पाप के भागी तुम बने, उस गांव के इतने सारे लोगों की जान बचा करके जो तुमने 5 हत्याएं की, वो पाप मुक्त तुम हो गए हो, इसलिए अब तुम चोर से संत के रूप में आ गए हो, और जो लकड़ी मैंने सूखी हुई तुम्हें दी थी, अब पुनः बरसात आ गई है, अब वो लकड़ी उकर के फिर पेड़ बन जाएगी। तो वास्तव में पापों का क्षण करके उसकी शरण में जाते हैं, तो गए शरण पर वो राखिए तब अपराध विशाल। हम कितने भी पाप कर ले, कितने भी गलत काम कर ले, बच्चा कितनी भी गलती कर लेता है, लेकिन माँ फिर भी उसको अपने आचरण में छुपा लेती है। तो वही भाव उस परम सत्ता का होता है हम सबके प्रति, हम सब भी उसके संतान हैं, हम सब भी उसके बालक हैं। ये जो दीपयज्ञ का हम कार्यक्रम करते हैं, हम सभी लोग दिवाली पर दीपक जलाते हैं। दिवाली पर दीपक हम इसलिए जलाते हैं कि सभी ये सोचते हैं कि हमारे घर पे लक्ष्मी जी आए, सारे देवताओं का वास हो, सबको सद्बुद्धि रहे, सारा परिवार निरोगी रहे, सुख समृद्धि रहे, इस तरह की आदि आदि जो हमारी बातें हैं उनको सोच करके हम लोग दीपक जलाते हैं। वैसे दीपक जो है वो हमारी भारतीय संस्कृति का परिचायक है। ऋग्वेद का सबसे पहला श्लोक है अग्निम इले पुरोहितम, जो हमारे देश में साधना का प्रतीक अग्नि के रूप में माना जाता है। भले चाहे हम अगरबत्ती के रूप में करें, दीपक जलाएं, अग्नि को साक्षी माने, सूर्य के रूप में करें, तो अग्नि के रूप में हम लोग मानते हैं। तो दीप तो इसलिए क्योंकि दीपक जलाया गया है, और यज्ञ इसलिए कहते हैं यज्ञ में संविधाएं और सामग्री, अग्नि और जल इनकी साक्षी रहती है। सामग्री के रूप में दीपक में घी या तेल का प्रयोग किया जाता है, और अग्नि के रूप में अग्नि रहती है, जल के रूप में कलश विराजमान है, इसलिए इसको हम दीपयज्ञ का नाम देते हैं। सबको उज्ज्वल भविष्य, सबकी निरोगी काया, सभी को सद्बुद्धि, इसी सारी भावना के साथ में हम सबके विचार सृजनात्मक हों, सृजनात्मक की तरफ हम चलें, यही सब आदि उद्देश्य गायत्री परिवार के दीपयज्ञ करने के हमारे होते हैं। अभी सबसे पहले सरयू दीपक जलाएंगे, फिर उसके बाद सभी अपने अपने जगह से उठेंगे और एक एक दीपक जलाएंगे, क्योंकि जो हमारी संस्कृति है वो दीप बुझाने के लिए नहीं कहती है, लेकिन है। आजकल हम सब वेस्टर्न कल्चर को मानते हैं, जब जन्मदिन मनाते हैं तो जितनी भी मोमबत्तियां होती हैं सबको फूंक मार करके बंद कर देते हैं और कह देते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू, जबकि हमारी संस्कृति दीप जलाने के लिए कहती है, ज्ञान से ज्ञान के प्रकाश के लिए कहती है, और हम ज्ञान को बुझाने की बात करते हैं। तो अब से जन्मदिन मनाएंगे तो दीपक जला करके मनाएंगे, दीपक बुझा करके नहीं। तो आइए गायत्री स्तवन के साथ में प्रारंभ करते हैं, दीप जलाएंगे। ओम अग्नये न सुप्ताराय स्मान विश्वानि देव वायु यान विद्वाने जोरस नौराण मेनो भूयिष्ठं तेनं मुक्तिं विधेमे। ओम अग्नये नमे आवायामि स्थाप्यामि पूजयामि धायामि ततो नमस्कारं करोमि। शुभ ज्योति के कुंज अनाद अनुपम ब्रह्मांड व्यापि आलोक कर दिया, बारीक रूप से मोत कर दो, पावन बना दो हे देव सरिता, उसी देव पावों से मेत को दे, हे भंग प्रबंधन मोत करता, स्वीकार कर दो बंधन हमारा,
Thank you.
एक स्वर में एक साथ गायत्री महा प्रसाद भी देंगे, इदम गायत्री इदम रूम के साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। Yo, yo, nah.
पितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं Yeah.
थोड़े से चावल में मिल जाएगा, फिर नावती करेंगे, दीप के ऊपर छोड़ेंगे, फिर ऊपर के ओम पूर्णमदे पूर्णमिदं पूर्णात पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते स्वाहा ओम सर्वे वै पूर्णमं स्वाहा। पहले सर करेंगे आरती, उसके बाद सभी एक एक आते रहेंगे और आरती करके जाते रहेंगे। जय यति जय गायत्री माता, जय यति जय गायत्री माता, सत्य मार्ग पर हमें चलाओ, जो है सुख दाता। जय यति जय गायत्री माता, आई साज तुम्हें राजा जगदंडन, जग पालन करे चरण चरण की जय माता।
बैठ जाएंगे।
अभी प्रसाद मिलेगा फिर उसके बाद जाएंगे। हो गया पूजा वगैरह फाइनल समझ सकते हैं। नहीं बैठो 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 नीचे बैठो।